क्षण है कि काजल यादव जी का आज जन्मदिन है, दिन है, और मुझे पहली बार शरीक होने का मौका मिला। और एक बात और शेयर करूं कि काजल यादव जी बहुत पहले से जान रहा था कि बहुत सारी फिल्में कर रही हैं, माया यादव जी के साथ मैंने बहुत सारी फिल्में की है पहले, पर इस बार पहली बार मौका मिला कि काजल जी के साथ फिल्म करने का। सेट पे बहुत अच्छी हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं, चूँकि मैं अब इंडस्ट्री में एक अभिनेता के साथ साथ एक बाप का जो भी होता है ना वो पद, वो मैं ग्रहण कर चुका हूँ। हमारी बेटी अक्षरा सिंह है, दूसरी बेटी हमारी काजल हो गई, लेकिन ठीक है कि मौका नहीं मिला पहले काम करने का, अभी मिला, पर बड़ा ही अच्छा मिला और इनके साथ अच्छा समय व्यतीत किया। हीरे में भी काम किया, गुंडे में भी काम किया इनकी जो फिल्में हैं। इंशाल्लाह अगर आगे मौका मिला तो आगे भी इनकी फिल्मों में काम करता रहूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं, दिल से शुभकामनाएं हैं। और उसके बाद अभी बैक टू बैक मुझे बिना मूवी मुझे कुनाथ जी दे, बाकी काजल जी के लिए, काजल जी के साथ तो मैं पहले भी काम कर चुका हूँ और ये सेकंड टाइम मैंने उनके साथ में काम किया है, और
मेरे पास तो कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए, पर यही बोलना चाह रहा हूँ कि बस साल में जितनी भी फिल्में करें उससे ज्यादा फिल्में मैं आपके साथ करूँ। सबसे पहले तो जितने सारे बोल रहे हैं और तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। काजल जी के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यह मेरे बेस्ट विशेज हैं कि अभी तक जितना बेहतर इन्होंने काम किया है आगे इससे भी ज़्यादा बेहतर काम करें। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे ये चलिए दुबई नमस्कार। सबसे पहले तो मैं काजल को बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं और ईश्वर कृपा बनी रहे, खूब अच्छा काम करे, खूब नाम करे और ये जो फिल्म अभी हीरिए आई है बनने वाले में अभी रिलीज़ पे है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हीना फिल्म का आज मुहूर्त हो रहा है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे हम सब इस इंडस्ट्री में जितने लोग हैं एक परिवार है और उस परिवार के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इन्होंने जी काफी दशक से आप कई फिल्में में अभिनय कर चुके हैं, माया यादव जी की बेटी हैं काजल यादव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे स्पेशली कुछ जो बातें दिलो दिमाग में? बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, मेरे साथ कई फिल्में कर चुकी हैं, बहुत अच्छा उनका स्वभाव है और मेरा आशीर्वाद है और अच्छा करें। कोई ऐसी कड़ी बताइए जो आपके शूटिंग के दरमियान आपको सबसे ज़्यादा याद अभी तक फिल्म जी? एक फिल्म हम लोग कर रहे थे अभी, उसमें कुणाल हीरो थे और लीड हीरोइन थी काजल, तो एक सीन था बाप बेटी का, इमोशनल सीन था, वो सीन मुझे याद है और उसमें बहुत उसने इतना बढ़िया किया था कि लिटरली मेरे आंख से आंसू आ गए थे। वो सीन आप लोग ज़रूर देखिए, उस फिल्म को देखिएगा और आप सब उस सिनेमा को देखने जाएं तो अच्छा है, क्योंकि मैं सारी चीज़ अभी नहीं बता सकता। फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करेंगे, पहले से ज़्यादा ग्रोथ किया है, ज़्यादा फिल्में बन रही है, क्या आपको कुछ सही लग रहा है क्या कुछ गलत है? अभी फिलहाल जो चल रहा है सिनेमा के लिए ये बहुत अच्छा है, सबको काम मिल रहा है और मैंने कभी, आप तो जानते ही हैं, नकारात्मक बातें मैं कभी करता नहीं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो अभी चल रहा है ये और अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा है, पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए, सारे टेक्नीशियन के लिए, आप सबके लिए, और मुझे जो जानकारी उससे ज़्यादा जानकारी तो आप लोगों को है। भोजपुरी में कोई ऐसा ही नहीं ज़्यादा काम नहीं किया अभी तक, ऐसा तो कोई नहीं है। अभी जितने लड़के हैं नए जो बच्चे आ रहे हैं उनके साथ भी कर ही रहे हैं और पुराने लोगों के साथ तो किए ही हैं। अगर कोई छूटा है तो आप लाइएगा, जरूर बुलाइएगा, मैं बनूंगा, बाप बन जाऊं या जो बनूं। भोजपुरी में पहली फिल्म कौन सी थी आपने जिसके आपने शुरुआत करा? अभी ये तो बहुत बड़ी बात आपने पहली बार पूछी है। जो पहली फिल्म थी उसका मैं हीरो था और वो फिल्म बनी नहीं, थोड़ी कुछ उनके आपस में प्रॉब्लम थे, घरवा विदेश ला गया। उसके बाद जो दूसरी फिल्म रितु पांडे थी उसमें और प्रवीण भैया,
मेरे से तो किसी को झगड़ा नहीं होता है, ऑलरेडी मैं सबको प्यार करता हूँ, सबको रेस्पेक्ट करता हूँ, और मैं क्यों झगड़ा करूँगा भाई। ये क्या सवाल कर रहे हैं आप? पहले दिन क्यों बंद हो गई जानकारी देते हैं? वो प्रोड्यूसर का देहांत हो गया, वो बेचारे अब इस दुनिया में नहीं है, और थोड़ी सी आर्थिक संकट भी था थोड़ा, तो ये सब वजह मतलब रहा उस फिल्म के लिए। भोजपुरी के सिंगर तूफानी लाल यादव आपको जानते हैं, नाम सुना आपने? हाँ मैंने सुना, वो बीमार थे, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, और उनके साथ हाँ मैं काम करना चाहूँगा, तो भगवान करे वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं और हम लोग सेट पर मिलें। मनोज तिवारी जी के साथ आपने काम फिल्म किया है जी, अभी वो दिल्ली से चुनाव लेना पूरा लेकिन फूक चुके और तैयारी में चुनाव लड़ने के जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं उनके लिए शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और मनोज जी हम सबके प्रिय हैं, हमारे इंडस्ट्री के शान हैं, तो हम चाहते हैं वो जीते, मुख्यमंत्री बने। उनके साथ अपोजिट में खड़े हैं केजरीवाल जी की पार्टी, जी पार्टी। क्या आपको क्या लगता है किसी सरकार बननी चाहिए? अभी ये तो मैं नहीं कह सकता, बट मैं ये चाहता हूँ कि मनोज जी जरूर बने। मनोज जी के लिए मेरा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि मेरे हीरो रहे हैं, और आज हम सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं अशोक गुप्ता, और काजल जी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, और उनके जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं भी एक फिल्म कर रहा हूं काजल जी को लेके, और हमारी एक फिल्म और है चिंटू की दुल्हनिया, प्रोड्यूस कर रहा हूं, और काजल जी बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की। नमस्कार। मैं भागीरथ स्वाई, लेखक और निर्देशक। मैंने रश्मि देसाई को लेके के तुलसी बनाई थी, फिर क्या हिंदी बनाई थी, और काजल जी का जन्मदिन की शुभकामना है कि पिक्चर बनाया था उसने, रश्मि देसाई एंड कुणाल सिंह, अमित राय, और उड़ीसा का सुपरस्टार थे वो सिद्धांत महापात्र, जिन्होंने 150 पिक्चर किए, उन्होंने उन्हें करीब 50 पिक्चर उनका गोल्डन जुबली, तो उनको लेके बनाया था, पिक्चर भी बढ़िया चली थी, और रश्मि देसाई बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, बहुत कोऑपरेशन के, बहुत अच्छा, अभी तो बिग बॉस में बढ़िया चल रहा है उनका, भगवान करे उनका भी बढ़िया चले, यही मेरी शुभकामना है। फिल्म का नाम तुलसी थी। बिग बॉस देखते हैं? हाँ बिग बॉस देखता हूँ। हाँ फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा है, जितना तो चाहिए। अभी मैं ऐसे तो नहीं बोलते, सभी मेरा अच्छा है, बस किसी आर्टिस्ट के बारे में ऐसे जितना तो चाहिए, अभी तो सब ऊपर वाला का हाथ में। अभी उसका तो रिस्पॉन्स अच्छा है ऐसे बिग बॉस में, बाहर आ चुकी है, अभी इसके बारे कोई कमेंट्स नहीं है सर। थैंक यू सर। मुबारकबाद आपको, और ये कहना चाहूंगा कि दो फिल्में हीरिए और आपका हीना, क्या कहते हैं, कितनी उत्साहित है प्रोजेक्ट को लेकर, और जी हाँ जी बर्थडे का तो सबसे पहला आप सभी को शुक्रिया, आप लोग मेरे जन्मदिन पे आए, और बहुत एक्साइटेड हूँ, आज मेरी फिल्म हीरे का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ है और हीना का मुहूर्त है, तो बहुत बहुत ही मैं मतलब भगवान को शुक्रिया अदा करूँगी, और मेरे सारे फैंस फॉलोवर्स और मेरे जितने भी वेल विशर्स हैं और जितने भी सीनियर्स हैं मेरे जो एक्टर्स हैं आर्टिस्ट हैं, सबको तहे दिल से शुक्रिया, ये सब आपके ब्लेसिंग्स हैं जो मैं आज इतना अच्छा काम कर रही हूँ और कहीं ना कहीं अपने करियर के स्टेज पे आगे बढ़ रही हूँ, तो बहुत खुशी होती है। तो जानना चाहूँगी दो प्रोजेक्ट के बारे में, हीरिए जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह का प्रोजेक्ट है, और हीना किस तरह? हाँ हीरिए जो है हमने जो शूट किया है बहुत ही हार्डकोर लव स्टोरी है, और पोस्टर आप देख रहे होंगे, जैसे होली पे ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है, और बहुत ही इमोशनल है इस फिल्म में, इमोशन से भरा हुआ है, और बहुत ही हमने मेहनत किया है, हमने हमारी डायरेक्टर है संजू जी, उनका पहला फिल्म है हीरिए, तो
लगभग सारे लोग ने मिलकर बहुत इसमें हार्ड वर्किंग किया है। हम गैंगटॉक गए थे गाना शूट करने और बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस है उसमें। और हीना देखा जाए तो एक बहुत ही डिफरेंट प्रोजेक्ट है जिसकी शूटिंग बहुत जल्द शुरू होगी और उम्मीद करते हैं हीना भी बहुत अच्छा बने। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अब तक का मेरे करियर में जो भी मेरे साथ चीज़ें हुई है, मैंने जितना भी वर्क की हूँ और जितने भी मेरे फैंस हैं और जितना सपोर्ट मुझे मिलता है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। और मैं यही प्रे करती हूँ भगवान से कि ये सपोर्ट मेरे सीनियर्स का, मेरे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और मेरी जितने भी वेल विशर्स हैं उनका हमेशा मुझ पर बना रहे। और जब भी हम काम करें एक पॉजिटिविटी के साथ काम करें और हर प्रोजेक्ट को बहुत दिल से दिल लगा के मैं हार्डवर्क करूँ ताकि लोगों तक पहुँचे कि जो लोग नहीं जानते मुझे काजल यादव को, वो लोग भी जाने कि एक आर्टिस्ट है जो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छा मेहनत करती है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। ये बिग बॉस की तो हम बहुत ही फैन रहे हैं। हम लोग बहुत छोटे थे घर पे, हर मेरी बहनें, मेरी मॉम, हम सब साथ में बैठ के देखते हैं, इनफैक्ट अभी भी देखते हैं। और खेसारी जी जब गए तो एक अलग ही लगाव था। जैसे मम्मी पहले इंटरेस्ट नहीं लेती थी बिग बॉस देखने में, जब से खेसारी जी गए तब से तो उनको उनका इंटरेस्ट लेवल और हाई हो गया। अरे मेरा बेटा खेसारी आने वाले, क्या है, क्या क्या नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा, खेसारी जी थे और उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ अपनी गेम खेली और अपने अपने आप को, उन्होंने जो स्टार थे उन्होंने वो स्टार जो उनका एटीट्यूड था उन्होंने वो बरकरार रखा, उस लेवल से डाउन नहीं हुए औरों को देख के। तो इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड फील होता है खेसारी जी पे। और उम्मीद करती हूँ आगे भी जितने भी स्टार्स जाएंगे हमारे बिग बॉस के घर में तो वो लोग सब रॉक करेंगे। अफकोर्स बिग बॉस के बाद राजनीति में देखिए मनोज तिवारी जी का केजरीवाल जी का टक्कर होने वाला है मुख्यमंत्री पद के लिए, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, कितनी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपको? एक्चुअली पॉलिटिक्स में ज़्यादा मुझे उसका नॉलेज है नहीं, तो मैं ऑफकोर्स मेरा मुझे उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं तो मैं अब क्या बात करूँ उस बारे में। लेकिन जो भी है अच्छी चीज़ है कि जीत हो, हमेशा मैं यही चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अरे सुबह से बहुत, इनफैक्ट रात से ही फ़ोन कॉल आना शुरू हो गए थे। और सबसे इस साल का मेरा, मुझे लगता है अब तक का मेरा बेस्ट जन्मदिन है। मैं सुबह फेसबुक खोली, सिर्फ मेरे ही पोस्ट, मतलब लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे, मैं बहुत ही, मतलब मेरा ये मूड उग गया है सुबह से स्माइल करके, ब्लश कर करके। मतलब जितना मम्मी भी बोल रही है अरे तेरे ही पोस्ट दिख रहे हो मुझे मेरे, और मैं सबके स्क्रीनशॉट लेके रखी, मुझे इतना अच्छा लगा। और इतने लोगों के फ़ोन्स आए और जिन लोगों से आप जब शूट पे मिलते हो तब सिर्फ बात करते हो और जब कभी हेलो हाय भी ना हो और अचानक उनका फ़ोन आ जाए, और बहुत से सीनियर्स एक्टर्स हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया, आमिश शुक्ला जी ने स्पेशली फ़ोन किया और मेरे लिए गिफ्ट परचेस कर रहे थे, तो मुझे कॉल किए, बोला बेटा आपको कौन सा अच्छा लग रहा है देखो, और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, लगभग बहुत लोगों का आया। मैं बहुत बहुत खुश हूँ मैं, और मैं उन सब लोगों को मैं शुक्रिया अदा कहूँगी कि आप लोगों ने मेरा जन्मदिन बहुत ही स्पेशल कर दिया। अरे नाम अभी आया है लगभग, अभी सेलिब्रिटी क्या, अभी सभी अपने लोग हैं ना जो हमारे साथ काम करते हैं, तो सब मतलब लगभग प्रशांत निशान जी जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रशांत जी का आया फ़ोन, देन चिंटू जी का फ़ोन आया था, कुणाल जी का आया है, काफ़ी लोगों का आया है और है और से तो मम्मी ही हमारे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है, और इतनी अच्छी मॉम, हमें इतने अच्छी परवरिश दी है उन्होंने, इतना संघर्ष करने के बाद भी हमें इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बनाया कि हम कहीं पे भी अच्छा स्टैंड ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। तो ये मॉम ही जो हमारी ज़िंदगी में है, माया यादव जी, तो वही बहुत बड़ा गिफ्ट है और हमेशा उनका सपोर्ट होता है मेरे हर प्रोजेक्ट में, और वो हमेशा मुझे
हम जब मैं उनके बिना अगर शूट पे होती हूँ तो डेली हमारी बात होती है, बेटा हर सीन को अच्छे से दिल लगा के करना, कोई चीज़ गलत नहीं, ये नहीं, अपना काम पहले, स्क्रिप्ट अच्छे से, मतलब वो हमेशा सपोर्ट उनका रहता है और वो चाहती है कि मैं और इम्प्रूव करूँ और मैं कर रही हूँ। हाँ, बचपन में हम पहले जहाँ रहते थे वहाँ एक आंटी होती थी, मतलब उस कंपाउंड की, तो हम सब छोटे छोटे बच्चे, मतलब बहुत छोटे छोटे थे, तो हम लोग क्या करते थे ना, किसी का बर्थडे होता था तो सपोज़ किसी के पास केक लेने के पैसे नहीं हो तो वो क्या करते थे ना, अपने घर पे जाके मीठी रोटी बनाते थे, वो शक्कर वाली, तो आंटी बोलती थी चलो कोई हलवा बना के ला दो, कोई मीठी रोटी बना के ला दो, तो हम लोग क्या करते थे, एक जगह हलवा रखते थे, एक जगह मीठी रोटी रखते थे, तो उसी को हम हैप्पी बर्थडे टू यू करके उसके सेलिब्रेट करते और सबको केक समझ के सबको, मतलब एक एक निवाला खिलाते, हम ऐसे करते करते बहुत ऐसे सेलिब्रेट करते। और हमारा जो मम्मी ने जिस तरीके से मैं और मेरी बड़ी बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, वो हम दोनों को सेम कपड़े देती थी जैसा उसको हम दोनों को एकदम परियों जैसा सजाती, और बहुत बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक राजकुमारी की तरह हमारा बर्थडे हमेशा सेलिब्रेट करती थी वो, और बहुत अच्छा लगता था। बचपन के दोस्त एक्चुअली मेरा नेचर ऐसा था, मैं जब स्कूल में भी थी तो पता नहीं, मैं बहुत शाई टाइप की थी और मुझे लोगों से बात करना अजीब लगता था, ऐसा लगता था क्या बात करना, क्या दोस्ती करनी, तो मैं ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पाती थी। इसके लिए आज तक मेरे लाइफ में कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड बोलते हैं ना जिससे हम अपना हर चीज़ें शेयर करें, ऐसा कोई रहा ही नहीं है मेरे लाइफ में। तो लगभग सब नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग हैं जो प्रोफेशनली जुड़े हैं, तो नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, ऐसा कोई क्लोज दोस्त नहीं है मेरा। तो ऐसा देखा जाए तो स्कूल टाइम के हैं एक आध लोग जो फेसबुक से जुड़े हैं मुझसे, उनके विशेज आए हैं। जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने बड़े स्टार्स हैं, खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, दिनेश जी हैं, उनके साथ फिल्म करने के लिए इच्छुक नहीं है आप, मतलब ज़्यादातर फिल्म आप कुणाल जी के साथ आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी ऑफ कोर्स हूँ, कौन नहीं होगा एक्साइटेड उनके साथ काम करना, मतलब जो भोजपुरी में आप हो तो ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी उनके साथ काम करूँ। इनफैक्ट मैंने खेसारी जी के साथ फिल्म भी की हूँ एक, और एक स्पेशल सॉन्ग की हूँ जाल में, और मैंने चिंटू जी के साथ काम किया जो हमारे इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर हैं, और ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि ये मेरा 2020 है जो मैं हमारे इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर्स हैं उनके साथ भी काम करूँ। जी, होली में रिलीज होगी, और हीरे बहुत ही प्यारा शब्द है जिसे हम अपनी जो लवर्स होते हैं उनको प्यार से हीरे बोलते हैं, सोनिए बोलते हैं, तो ऐसे क्यूट सा एक वर्ड है हीरिया, हीरिए। तो इस फिल्म में मेरा जो कैरेक्टर है एक नॉर्मल कैरेक्टर है, और किस तरीके से ये एक प्यार में पड़ती है और उनका प्यार इतना प्योर होता है और वो किस लेवल पर अपने प्यार को ले जाते हैं, तो ये चीज़ है। जी जी ऑफकोर्स, फिल्म के हीरो हैं कुणाल तिवारी जी, और काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने, ऑफकोर्स वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनके साथ मेरी पहली फिल्म थी जमाई राजा, जबकि हम एक दूसरे के ऑपोजिट पैर नहीं थे, लेकिन मैंने उनका जब थिएटर में मैं वर्क की तो मैं डेफिनेटली, मैं घर पे आई तो मैं सिर्फ और सिर्फ मम्मा से ये कही, अरे कुणाल तो इतना अच्छा एक्टर है, कितनी अच्छी एक्टिंग की है। तो मम्मी बोली हाँ, मैं बोली हाँ, इससे पहले मैंने शायद उनका कुछ देखा नहीं था, तो उस दिन से कहीं ना कहीं मुझे लगा अरे बहुत अच्छा एक्टर है, और इनके साथ कहीं ना कहीं अगर मेरी जोड़ी आएगी तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा काम करने में। तो ऐसे ही हमारी फिल्म आई एक विवाह ऐसा भी, दिल का रिश्ता, प्रेम कैदी और अब हीरिए, तो बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारी ट्यूनिंग अच्छी है। जी हाँ, हीना एक लव स्टोरी है, और लव स्टोरी है, और अभी तो ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते क्योंकि अभी चल रहा है प्रोसेस में, जल्द उसका भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स, मैं मेरे फैंस और मेरे वेल विशर्स से यही कहूँगी कि मुझे अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और ये 2020 मेरे लिए 2019 से भी ज़्यादा धमाकेदार हो, और जैसे कि आप सब चाहते हैं, मैं खेसारी जी, पवन जी, नीरवा जी, हमारे इंडस्ट्री के कितने भी अच्छे हीरो हैं और हीरोइंस हैं, सबके साथ मैं काम करूँ, ये सब आप लोग ब्लेसिंग्स दीजिए तो ही पॉसिबल होगा, और मैं चाहूँगी कि आप लोग हमेशा मुझे अपना प्यार दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच।
काजल जी को तो मैं यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ऐसे ही काफ़ी फिल्में करते रहें और आगे भी तरक्की करते रहें। उनके साथ में कंटिन्यू मैं और भी फिल्में करता रहूँ। जी काजल जी को शुभकामनाएं यही देना चाहूँगा कि हीरे के जैसे ही मैं और भी फिल्में बनाता रहूँ उनके साथ में, और वो हीरे के बाद तरक्की पे तरक्की करते रहें और साल में मैक्सिमम जितनी हो सके उससे ज़्यादा फिल्में करते रहें और उससे मैक्सिमम फिल्में मेरे साथ में। काजल जी सेट पे उनके बारे में क्या बोलूँ, कोई कंप्लेंट ही नहीं है काजल जी के बारे में। काजल जी सेट पे आती हैं एकदम से, मतलब जब उनको बोलो तब वो रेडी होकर आती हैं, कोई क्वेश्चन नहीं। अगर कुछ कन्फ्यूजन रहता भी है तो मैं बताता हूँ तो वो बहुत जल्दी समझ आती हैं। बहुत फ्रेंक हैं और काम के मामले में बहुत अच्छी हैं। उनके साथ मुझे काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। हीना की कहानी के बारे में ज़्यादा तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा। इतना ज़रूर है कि इसमें कुणाल जी हैं, काजल जी हैं और थर्ड हीरो सेकंड हीरो के तौर पे कुणाल जी, काजल जी एंड प्रमोद प्रेमी जी इसमें हैं। तो इसमें थोड़ा सा मेलोडी और लव स्टोरी टाइप का कॉन्सेप्ट रहेगा जिसमें कि बीच में भूमिका निभा रहे हैं कुणाल जी, काजल जी और प्रमोद जी के बीच में। इसमें क्या ट्रेजेडी होती है, कैसे क्या होता है, इसका काफ़ी कुछ है जिसके बारे में भी मैं बता नहीं सकता हूँ। खास वजह शायद यह है कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी है कुणाल जी और काजल जी की। जब भी वो साथ में काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं और वो दिखता है सेट पे काम करते हैं तो एक दूसरे के साथ में। और दूसरी वजह यह है कि मुझे भी ऐसा लगा है कि कुणाल जी और काजल जी के साथ में जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं भी बोला था कि जब हीना के बारे में मुझे बोला गया तो मैंने बोला कि इसमें भी जो आप कॉन्सेप्ट मुझे बताए हैं इस हिसाब से काजल जी ही बेस्ट लगती है। हीना का अभी थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगा कि लोकेशन क्या होगा, क्योंकि अभी कहानी पे काम चल रहा है एंड फरवरी या मार्च के आसपास में ही इसका हम प्लान करने वाले हैं शूट का। हीरे के जैसा कि आपने शायद पोस्टर में देखा होगा कि होली में प्लानिंग चल रही है रिलीज़ की, और कोशिश है कि पूरा होली में ही रिलीज़ किया जाए और इसका पोस्ट ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने को आ गया है। थैंक यू। काजल को बहुत बहुत मुबारकबाद तो दे दिया मैंने, खुश रहे वो और ऐसे ही हंसती खेलती रहे वो। मैं तो शुरू से उसकी तारीफ कर रहा हूँ, बहुत अच्छी एक्टर है। और यहाँ तक कि जो अगर कोई जानने वाला मेरा मिलता है तो मैं कहता हूँ उसे ही ले लो। ओके चलो बाय। सारे दर्शकों को दिल से नमस्कार। मैं जोया खान काजल यादव जी का बर्थडे है। मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं आप लोग से भी निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी काजल यादव जी को ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी तक तो बहुत कम समय में उन्होंने बहुत नाम किया। मैं चाहती हूँ और आप लोग से निवेदन करती हूँ कि आप लोग इतना सारा उनको प्यार दीजिए कि वो और ढेर सारा नाम करें। नहीं, मुझे बुलाया गया, मैं आई हूँ, मेरे फ्रेंड्स का बर्थडे इंजॉय करने, उनको विश करने। हाँ, अभी तो टीनेजर लव स्टोरी का डबिंग चल रहा, 14 फरवरी को रिलीज है, आप लोग जरूर जाइए देखने थिएटर में। फेरे लवली अभी खेसारी जी फाइनल अभी चयन चल रही है, कुछ दिनों में ही हम लोग बता देंगे कौन कौन आर्टिस्ट कलाकार फाइनल हुए। अभी तक वैसा कुछ नहीं है, अभी चल रही है चयन, काम चल रही है इसके ऊपर। कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं 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 नए हीरो
फाइनल नहीं है कुछ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, खेसारी जी के साथ 3 फिल्म हमने बनाई है, चौथी बनाने जा रहा हूँ, तो हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, तो अभी ऐसी कोई बात नहीं जो खेसारी जी के ही सिर्फ और लोगों के साथ काम करेंगे, लेकिन अब जब तक खेसारी जी के साथ चल रहा है तो कर ही रहे करेंगे और आगे भी। थैंक यू। काजल यादव जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके जीवन में ऐसे ही बाहर आती रहे और हर साल बर्थडे पार्टी ऐसे ही मनती रहे और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और साथ में आने वाली फिल्म जो हीरिए है उसके लिए भी उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी सॉरी, हाँ बिल्कुल, मैंने गिफ्ट दिया है, वो सरप्राइज है, शायद मैं भी उनके साथ कुछ फिल्मों में एक हिस्सा बन सकता हूँ और साथ में काम कर सकता हूँ, तो इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं होगा जो मैं उनके साथ काम करूँ और उनके साथ फिल्में करूँ, तो यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। बिल्कुल, जो राजमहल है अमरपाली जी के साथ की है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, थोड़ा उसमें वक्त लगेगा क्योंकि बीएफएक्स और सारी चीज़ें जो कि फैंटेसी फिल्म है उसको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो मुझे लग रहा है कि अप्रैल मई के आसपास आ जाएगी। हाँ, अमरपाली जी के साथ मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं उनके साथ और भी फिल्में साइन किया हूँ, आने वाले समय में मैं उसकी भी शूटिंग शुरू करने जा रहा हूँ। सेट पे एक दोस्त कम गार्जियन ज़्यादा होती है, काफ़ी कुछ सिखाती है और काफ़ी कुछ मैं उनसे सीखता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत व्यक्तिगत और व्यवहारिक रूप से वो जो चीज़ें सिखाती हैं तो मुझे अच्छा लगता है और सीखने के बाद उसका रिजल्ट जब मैं देखता हूँ कैमरे के अंदर हो या एक्टिंग हो या जो भी चीज़ें हों तो बहुत ही अच्छा लगता है सीख के और उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है, तो हैप्पी होता है कि एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा साथी, एक अच्छा हीरोइन एक अपने हीरो को सजाती है और बताती है, तो बहुत खूबसूरत ढंग से उस चीज़ों को बन के आती है लोगों के सामने। दोस्ती उसे कहा जाता है कि बहुत अच्छा सवाल है कि दोस्ती उसे कहा जाता है जो एक अच्छा शिक्षक के स्वरूप और गुरु के स्वरूप एक अच्छा दोस्त हो जो अच्छी राह बताए और उस राह पे चलना सिखाए, तो मुझे लगता है वही एक अच्छा दोस्त होता है। जैसे कभी मेरे माँ और बाप भी एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं, मुझे अच्छी राहों पर और अच्छी संदेश और आशीर्वाद देते हैं, तो उससे बड़ा कोई दोस्त हो नहीं सकता, तो दोस्त की परिभाषा इतनी बड़ी है कि उसको मैं जितना बताऊं उतना कम है। हाँ, मैं इस पार्टी को बहुत अच्छा एंजॉय करने वाला हूँ क्योंकि काजल जी का बर्थडे और कई फिल्मों का यहाँ पे पोस्टर लॉन्चिंग, जैसे हीरी और लुक है तो उनका फर्स्ट लुक देखने को आ रहा है मुझे, मैं इसे देख के मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसे देख के बहुत एंजॉय करूँगा और आने वाली फिल्मों के लिए शुभकामनाएँ दूंगा इन जो कपल और जोड़ी है जो है आने वाली कई फिल्मों के लिए, तो ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं काजल जी को, कुणाल तिवारी जी को और इनके प्रोड्यूसर ऑल टीम को। हाँ बिल्कुल, आपने सही खबर सुना है, लव मैरिज मैंने फिल्म की है उसमें शादी की है, तो कोई दो राय नहीं है, एक हीरो हर फिल्म में अपने हीरोइन के साथ शादी ही करता है। जी थैंक यू। पूजा थक गई है कुछ। सबसे पहले काजल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और हम चाहेंगे कि इसी तरह इनकी फिल्में हम करते रहें, हर एक सालों साल करते रहें, और उसके साथ साथ अभी हीरिए का फर्स्ट लुक भी है और हीना का मुहूर्त भी होने वाला है, तो हम यही कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गाने बनाते रहें और ऐसा ही सब लोग इंजॉय करें, क्या भाई? बिल्कुल बिल्कुल, म्यूजिक तो एक एंजॉय का एक बहुत बड़ा साधन है जो कि यूनिट के साथ साथ मुझे लगता है कि पूरे ऑडियंस भी बहुत एंजॉय करते हैं, तभी उस फिल्म में बैठ के पूरी फिल्म देखते हैं। तो बस यही हम दुआ करते हैं महादेव से कि काजल जी हमेशा मुस्कुराते रहें और दिन पर दिन फिल्में करते रहें, अब इससे बड़ा और क्या कहें आज के दिन। अभी जैसे
गिफ्ट तो हम तो रोज़ देते रहते हैं गाने के माध्यम से हर एक चीज़, इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा जो अच्छे अच्छे गाने दें, रोमांटिक अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं। एक गिफ्ट देंगे एक गाना गा के काजल जी को, प्लीज़ आप एक काजल जी के लिए एक गाना, हाँ पूजा जी ने भी पहले पूछा था तो मैं उसका कोरस भर दूंगा, आप एक गाना गा दीजिए। पहले वादा कर रहा कि काजल जी के साथ जो ये तो मेरी भी ख्वाहिश है कि ये वादा आप करिए कि इस बार काजल मेरी आंखों में लगे और नज़र न लगे और मैं काजल के साथ काम करता रहूं। एक गाना तो गाना पड़ेगा गुरुजी, बिल्कुल गाइए, अच्छा वाला गाइएगा। कि दिल में तू, धड़कन में तू, खुशियां में तू, तड़पन में तू, चाहे ले जा से बढ़ के साँचो तुहार किरिए हीरिए हीरिए रांझा के तू हीरिए 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 रांझा के तू हीरिए। सबसे पहले तो मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सारे लोग आए, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया। काजल जी का जन्मदिन है और मेरे तरफ से बेस्ट विशेज हैं उनको कि अभी तक जितना बेहतर वो कर रही हैं आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा बेहतर करें। हीरिये का फर्स्ट लुक आज लॉन्च किया गया है और हीरिये जो है होली में रिलीज़ होने वाली है, होली में रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग इस फिल्म को, जो प्रोड्यूसर है इसके धीरेंद्र झा जी, वो होली में रिलीज़ कर रहे हैं हीरिये महाराष्ट्र और गुजरात में, अगर पॉसिबिलिटीज़ हुई तो ऑल ओवर इंडिया, बट फॉर श्योर महाराष्ट्र और गुजरात में रिलीज़ होगी होली में। और मैं विराज भट्ट और काजल यादव, अमित शुक्ला, बहुत सारे लोग हैं, सोनिया मिश्रा, काफ़ी सारे हैं लोग इस फिल्म में। ये प्रॉपर जो आंसर है वो तो प्रोड्यूसर दे पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है एज एन एक्टर हम जो है एक कंफर्ट जोन देखते हैं, हमें लगता है कि चलो किसी के साथ हमारी बॉन्डिंग है, बोलते हैं ना एक्शन का हमेशा रिएक्शन होता है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम बेहतर काम करते हैं साथ में, तो शायद इस वजह से। मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम काम कर रहे हैं, आप कोई टैग दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हाँ ये पहली बार शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई फिल्म है जो लद्दाख में भी हमने शूट किया इस फिल्म को, फिर गैंगटक में शूट किया, फिर 27 डेज हमने गुजरात में शूट किया, तो काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशंस देखने को मिलेंगे इस फिल्म में। कहानी बहुत इमोशनल है, अच्छी लव स्टोरी है, तो और एक बोलते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जब कोई फिल्म देखेगा अगर अभी मैं बोलूं कि बेहतर है, क्या चीज़ें बेहतर है, तो शायद कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन जब कोई फिल्म देखेगा तो उसको समझ में आएगा। बट अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छी कहानी है, बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई गई और सबको अच्छी लगी। अभी 7th of February मेरी एक फिल्म रिलीज़ हो रही है नागधारी, महाराष्ट्र और गुजरात में, उसके बाद एक विवाह ऐसा भी है, फिर दिल का रिश्ता है, फिर प्रेम कैदी है, फिर हीरिये है, त्रिया चरित्र है, गुंडे 2 भी हमने कंप्लीट किया है, मैं, विराज भट्ट, सुशील जी हैं, अमित शुक्ला हैं, काजल हैं, रितिका शर्मा हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। ओके थैंक यू। धन्यवाद आपका। मैं काजल जी को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूं हमारी पूरी टीम की तरफ से,
सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में शरीक हुआ हूँ मैं, तो पहले तो काजल यादव जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। दूसरा, हमारे फिल्म का भी हीरिए में मैं कलाकार भी था। तीसरा, फिल्म का मुहूर्त भी है, हमारे सब जानने वाले लोग हैं, हमारे प्रोड्यूसर महोदय, इनके साथ मैंने पहले भी काम किया, अभी भी काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी मौका मिलेगा। तो टीम के तमाम लोगों को काजल जी के साथ साथ शुभकामनाएं। एक्चुअली मैं हीरिए फिल्म में, इनकी तीन फिल्म की शूटिंग एक साथ चल रही थी, तो किसी में मैं विलेन था, लेकिन हीरिए में मेरा जो हीरो साहब हैं कुणाल जी, हीरो के पिताजी, उनके बाबूजी का कैरेक्टर है, थोड़ा दबा कुचला वर्ग से आता है, पीड़ित है, बुजुर्ग है, बच्चा जवान है, उसका अपनी पीड़ा है, थोड़ा और जद्दोजहद, जिंदगी के जद्दोजहद से लड़ाई चल रही है, उसकी अलग पीड़ा है। ऐसा कोई वजह तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छी अदाकारा हैं, इसके वजह से हमें उनके एक हमारा जो टीम बन चुका है उसके साथ टीम वर्क करने में बहुत मज़ा आ रहा है हमें भी, इसके लिए हम कंटिन्यू करना चाहते हैं कि मतलब वही टीम हमारा बना रहे, हम टीम ब्रेक नहीं करना चाह रहे, इसके लिए हम वो कंटिन्यूटी मेंटेन करना चाहते हैं, जिससे हमें मतलब वर्क में जो होता है ना कि मतलब गैपिंग नहीं आता है। हीरिए आप होली पे हम लोग 100% कोशिश करेंगे कि इस होली थिएटर तक पहुंच जाए। मेरी आने वाली और फिल्में हैं, इसके बाद में तीरिया चरित्र है, गुंडे 2 है, और हीना की आज जो मुहूर्त है हीना। और थैंक्स गॉड कि इनके टीम में मैं भी शामिल हूँ, तो हीरिए भी किया, तीरिया चरित्र में शायद मेरा करेक्टर किरदार, हाँ गुंडे में भी गुंडा बना हूँ, तो शुक्रगुजार हूँ इनका कि इनकी टीम में मैं भी शामिल हूँ, इंशाल्लाह आगे भी मौका मिलेगा। फिल्में बहुत सारी मैंने की है, अभी एज ए विलेन डायरेक्टर अतुल मिश्रा जी हैं, राकेश मिश्रा जी उसमें हीरो हैं, उसमें विलेन हैं, और भी कई फिल्में हैं, करता रहता हूँ काम, थोड़ा बहुत चलता रहता है। सबसे पहले हमारी तरफ से काजल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही तरक्की करें और खूब सारा नाम करें, खूब नाम रोशन करें। जी बहुत अच्छा टाइटल है, और जैसे कुणाल भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, काजल जी बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, हम दोनों ने अभी जब लास्ट मंथ कर सकते हैं, फिल्म का नाम है बंधन जन्म जन्म के, तो बहुत अच्छा लगा काम करके इनके साथ में, फर्स्ट टाइम हम दोनों ने काम किया साथ में, और बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनकी फिल्म हीरिए के लिए और कुणाल तिवारी के लिए। अपने आने वाले कुछ प्रोडक्ट, मेरी आने वाली फिल्म अभी हीरो हैंडसम रिलीज है नेक्स्ट मंथ फरवरी में, और उसके बाद है फोर्स है, बदमाश है, और वादा कर ले साजना है, बंधन जन्म जन्म के है, लाइन से काफ़ी सारे फिल्में हैं। जी अभी दिल्ली में चुनाव है, जी क्या केजरीवाल को हरा पाएंगे, क्या नेक्स्ट सीएम के दावेदार हैं? बिल्कुल दावेदार हैं, क्योंकि बीजेपी के बहुत अच्छे लीडर हैं, और मुझे नहीं लगता उनके टक्कर में कोई है, और मैं सपोर्ट करूंगा बिल्कुल मनोज तिवारी जी को, बिकॉज कि हमारी इंडस्ट्री से हैं, और हमारी इंडस्ट्री में उनको बहुत सहयोग रहा है इतना ऊपर लाने में, तो मेरी तरफ से विशेष है कि आप जरूर जीतिए और आप दिल्ली के सीएम बनिए। आप हमारा क्या मतलब पूरी इंडस्ट्री की तरफ से आई थिंक लगता है कि मुझे विशेष रहेगी उनकी तरफ, और आप जरूर जीतिए, और हम लोग चाहते हैं कि आप दिल्ली के सीएम बने, और हम लोग जरूर आपसे काजल जी का बर्थडे क्या विश किया आपने? अरे अरे विश क्या करना है, बहुत बहुत आशीर्वाद है बच्ची को, कल रात को ही हम लोग तो घर में केक काट लिए थे, लेकिन आज फिर यहाँ पे धीरेंद्र जी, गीता जी और हमारे हीरिए फिल्म के ना प्रोड्यूसर इतना बड़ा पार्टी दिए हैं, तो मैं यहाँ शुभकामनाएं देने आई हूँ, और धीरेंद्र जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उनकी फिल्म हीरिए का जो यहाँ पोस्टर लॉन्च हुआ है बहुत बड़ी हिट हो, और एक फिल्म हीना का मुहूर्त हुआ है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत
शुभकामनाएं दी। बात करें काजल जी की, बचपन में कैसे थी? आज आप लोगों ने सही पकड़ा है। काजल बचपन में एकदम टॉमबॉय, जो एकदम मतलब पहली बात तो हम लोग काजल को बचपन में हमेशा शर्ट पैंट पहनाया करते थे, क्योंकि इससे बड़ी एक बेटी है मेरी खुशबू। तो सेकंड काजल हुई तो इसके डैडी को ऐसा लग रहा था कि हमारा बेटा होगा, लेकिन बेटी हो गई। तो हम करीब काजल को 7 साल तक शर्ट पैंट में ही रखे। उसके बाद जब हम कोशिश किए काजल को फ्रॉक वगैरह पहनाना, तो ये फ्रॉक पहन के घर से बाहर नहीं निकलती थी। बड़े मुश्किल से हम लोगों ने काजल को फिर फ्रॉक पहनाना शुरू किया। मेरा एक बार आंख दिखाने में ही बच्चे समझ जाते थे मम्मी आज नाराज कुछ तो है गड़बड़। मेरे काजल और भी बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, मैं शूटिंग करने जाती थी तो ये बच्चे लोग बड़े बड़ा सपना है मेरा सीता और गीता बनाना, जो मैं बहुत खूबसूरत फिल्म बनाने जा रही हूँ। और ये
मैं भोजपुरी में मतलब जब से आया हूँ बहुत ज़्यादा प्यार मिलता रहा है अभी तक, और सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और जो भी सभी लोग मेरे काम की तारीफ करते थे, इसके लिए आप सभी को दिल से प्रणाम। आज काजल जी के जन्मदिन में पार्टी में आप आए हुए हैं, कैसा लगा, क्या कहना चाहिए? अरे बहुत खुश हूँ मैं, हम सबके सामने एक बेहतरीन एक्ट्रेस, बेहतरीन स्टार मतलब कंटिन्यू काम कर रही है, और इस हीरिया फिल्म में मैंने उसके फादर का रोल किया है, और काम करके बहुत अच्छा लगा उसके साथ। शी इज सो कोऑपरेटिव, बहुत कमाल की आर्टिस्ट। आज हीरिया का फर्स्ट बुक लॉन्च हुआ है और एक हीरा का मुहूर्त किया गया, उसको क्या शुभकामनाएं देंगे? हीरा के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और होप सो, आई थिंक सो, इसमें सबका काम मुझे बहुत पसंद आया, मतलब मेरा काम सबको बहुत पसंद आया, तो आई थिंक सो उसमें भी रहूँगा मैं। मैं बिहार में पश्चिमी चंपारण बेतिया से का रहने वाला हूँ, और मेरी पहली फिल्म थी रावण शाहरुख सर के साथ, और उसके बाद बस उससे पहले टेलीविज़न में करता रहता था। और बहुत बहुत बधाई, और मुझे जानकारी मिली है कि राजस्थान में आपको बहुत बड़ा अवार्ड से नवाजा गया है उसके लिए। जी जी, एक्चुअली मैंने तकरीबन एक साल पहले एक हॉलीवुड फिल्म की थी, स्लमडॉग मिलेनियर, एक फिल्म का नाम आप सबने सुना होगा, जिसने 8 ऑस्कर जीता था, तो उसकी जो प्रोडक्शन टीम थी उन लोगों ने, एक अमेरिकन टीम थी, उनके साथ मिलके एक फिल्म बनाई है, एलेक्स ट्रिप नाम है उसका। तो अभी तो वर्ल्ड में कई देशों में जाके वो फेस्टिवल में घूम रही है फिल्में, कभी तक ग्रीस में, लॉस एंजलिस में, स्पेन में उनको 3-4 अवार्ड मिल चुके हैं, और सडनली 12 दिन पहले से जयपुर में जयपुर इंटरनेशनल अवार्ड का समारोह हो रहा था, जिसमें 26 देशों की, जर्मन, कोरिया, मतलब रशिया, चाइनीज़, इटालियन, ईरानी मूवी, अमेरिकन फिल्म, स्पेनिश फिल्म, बहुत सारी फिल्में, 240 फिल्में दिखाई गई, जिसमें जिसका अवार्ड फंक्शन कल रात को हुआ, जिसमें हमारी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, एक अवार्ड बेस्ट फिल्म का मिला, और एक बेस्ट पॉलिटिकल फिल्म का मिला, दो अवार्ड मिले। एलेक्स ट्रिप में फर्नांडो गिल हैं, जो हॉलीवुड एक्टर हैं, स्पेनिश और हॉलीवुड की 90s की सुपरस्टार हैं, अभी तो थोड़ी एजेड हो गई हैं, एताना सांचेज गिजोन, वो उसमें हैं लीड में, और इंडियन में मैं लीड में हूँ, मतलब ओवरऑल पूरी फिल्म में सेकंड लीड हूँ। जस्ट लाइक मतलब जो हीरो है, कहानी रिवील नहीं करूँगा, लेकिन एक अमेरिकन, अमेरिका में पैदा हुआ एक शख्स जो टेररिस्ट है, उसके और उसके बच्ची की कहानी है, उस बच्ची को पता ही नहीं है कि मेरे पापा टेररिस्ट रह चुके हैं और टेररिज्म में अरेस्ट हो चुके थे पहले 10-12 साल पहले, तो उन दोनों के बाप बेटे के इमोशन के बीच की कहानी है, और मैं हूँ और मेरी भी एक बेटी है, उन मतलब ऐसा एक इमोशनल टच है, और बहुत सारे ताने बाने हैं कहानी के बीच में। बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्में आप काफी कर चुके हैं, क्या कुछ तीनों अंतर होता है? नहीं, काम तो हर जगह काम होता है, सब लोग काम के प्रति ईमानदार होते हैं, हाँ वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब पंक्चुअल बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक एक मिनट की वैल्यू और बहुत सारी चीज़ें। नहीं नहीं, ये हमारी मिट्टी है, और मैं तो जितना हो सकेगा उतना भोजपुरी करूँगा। भोजपुरी के लिए तो मैं सीरियल कितने छोड़ चुका हूँ। लगभग सबके साथ किया है, पवन जी के साथ किया है, उनके साथ मेरी बड़ी जमती है, बहुत अच्छे कोऑपरेटिव आर्टिस्ट हैं, खेसारी जी के साथ बहुत मेरी ट्यूनिंग अच्छी जमती है, अभी मेहंदी लगा के रखना 3 आ रही है, बाप बेटे के ऊपर जो प्यारी सी कहानी है, तो बड़ा काम करके मतलब बड़ा कोऑपरेटिव, मतलब बहुत ट्यूनिंग बहुत अच्छी जमी उनके साथ भी। दिनेश जी के साथ मेरी पहली फिल्म थी भोजपुरी सौगंध, उनके साथ भी 2 फिल्में की, सबके साथ, यश भाई कमाल के एक्टर है, एवरीबॉडी मतलब जितने आर्टिस्ट सबके साथ मेरी, रितेश सो कोऑपरेटिव, सो डाउन टू अर्थ, और जितने मेरे साथ काम किए, मतलब मेरी तो सबके साथ जम जाती है ट्यूनिंग। ऑफकोर्स मेहंदी वन बहुत कमाल की फिल्म बनी थी, तो मेहंदी वन अब उसकी फ्रेंचाइजीज है ये Part 3, तो आपको तो पता ही होगा कि किसी भी लैंग्वेज में जब फिल्म का सीरीज बनता है Part 1, Part 2, Part 3, तो Part 1 से बेटर देन Part 2 होता है, Part 2 से बेटर देन Part 3 होता है, तो उससे बहुत मतलब मैंने जो काम किया उसके हिसाब से, तो एक तो बहुत मज़ा आया मुझे काम करके, दूसरा मुझे ग्राफ बहुत अपर लगा, बहुत नेचुरल एक्टर, वेरी नेचुरल एक्टर, बस एक वर्ड में जवाब, वेरी नेचुरल एक्टर। और कौन कौन सी फिल्में आपने रिलीज कराई?
रिलीज पे तो बॉस है, मेहंदी लगा कर रखना 3 है, घातक जो अभी कंप्लीट की टीनू वर्मा जी से मेरी कमाल की ट्यूनिंग जमी, ही इज सो टाइम के पंक्चुअल और बहुत मतलब प्रोफेशनल डायरेक्टर हैं वो। और जान फिल्म है कल्लू जी के साथ, अरविंद चौबे जी जिसके डायरेक्टर हैं, अभी हीरी रिलीज पे है। कुछ फिल्मों के नाम नहीं याद आ रहे हैं, कई फिल्में हैं। हमारे दर्शकों से ज़्यादा देखिए कुछ कहना चाहेंगे? प्रयागराज भी रिलीज पे है, करेक्ट। दर्शकों से यही कहना कि हमारी भोजपुरी फिल्मों का ग्राफ अपर टू अपर होता जा रहा है, बहुत बेहतरीन फिल्में एक से एक कंटेंट वाइज बनती जा रही हैं, तो आप सबका सहयोग, आप सबका प्यार चाहिए कि हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा जो आप सबकी, हम सबकी भाषा है, इसको और ऊपर हमारी फिल्मों को लेके जाएं और उसको बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा प्यार दें। क्या मनोज तिवारी इसके साथ अपने कभी